अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी फ्राइड सैंडविच की रेसिपी। उसके लिए पहले जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, उसमें ब्रेड पीसेस, एक प्याली चिकन। चिकन को पहले मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून नमक ऐड करके एक कप पानी में मैंने इसे बॉयल होने के लिए रख दिया था, और जो उसका एक कप पानी था वो उसी में ड्राई हो गया। और चिकन के मैंने रेशे अलग अलग कर लिए। 5 अदद आलू, हाफ टी स्पून नमक, फुल टी स्पून सुरख मिर्च, आधी प्याली हरे धनिए की, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद ना हो तो अगर आप ना भी यूज़ करना चाहें। 3 अदद हरी मिर्च, 4 टेबल स्पून बेसन, 4 टेबल स्पून मैदा। सैंडविच बनाने के लिए जो हमें अमेजा चाहिए उसमें मैं उसे हम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम बाउल में आलू ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, सुरख मिर्च, हरी मिर्च, नमक और हरा धनिया। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे साइड पे कर दूँगी। उसे साइड पे करने के बाद एक और बाउल में यहाँ पे लूँगी, उसमें मैं मैदा, बेसन, हाफ टी स्पून से कम सुरख मिर्च, एक चुटकी नमक, क्योंकि नमक पहले भी हमने यूज़ किया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली ना बने। अब हम इसमें सैंडविच बना लेंगे। नॉनस्टिक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, तब तक हम सैंडविच तैयार कर लेते हैं। ब्रेड पे मैं ये अमेजा रखूँगी और इसे अच्छे से हम ब्रेड पे फैला देंगे। इसे अच्छे से मैंने ब्रेड पे फैला दिया है, अब मैं दूसरा पीस भी ब्रेड का इसके ऊपर रख दूँगी। इस तरह हम सारे सैंडविच बना के तैयार कर लेंगे एक दफ़ा और फिर इकट्ठे फ्राई कर लेंगे। ब्रेड के पीसेस मैंने तैयार कर लिए हैं और बेसन भी तैयार है हमारा। अब मैं इसे ब्रेड के पीसेस को उसमें डिप कर लूँगी और कुकिंग ऑयल में इसे रख दूँगी फ्राई करने के लिए। ब्रेड को इसे अच्छे से डिप कर लेंगे हम इसमें और फिर इसे कुकिंग ऑयल में ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी थी और अब हम इसे फ्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसकी साइड अब मैं चेंज कर लूँगी। दूसरी साइड से इसे फ्राई होने के लिए मैंने रख दिया है। पहली साइड आप इसकी देख सकते हैं, फ्राई हो गई है थोड़ी सी। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे अगेन। दूसरी साइड इसकी अच्छे से पक चुकी है, ब्राउन कलर हो गया इसका। पहली साइड भी हम इसी तरह पका लेंगे। इसके दोनों साइड अच्छे से पक चुकी हैं, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह दूसरे पीसेस भी हम ऐसे ही बना लेंगे। इसकी साइड मैं चेंज कर दूँगी। पहले पीस की तरह इसका भी वो कलर आ गया, दूसरी साइड से हम इसे अच्छे से बना लेंगे। इस पीस को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, हमें इसे पैन से निकाल लूँगी। फ्राई चिकन सैंडविच की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। एक सैंडविच को मैंने मिड में से कट कर लिया है, ये देखें।
आप इसे ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और फिर मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।